हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। गाइज, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 के लिए रागा का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे और जिसमें मैं आपके लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो इसलिए आज का टारगेट आपका होना चाहिए 26 प्लस मार्क्स। मतलब अगर आपने आज जो है 26 नंबर प्राप्त कर लिए तो इसका मतलब है कि आप एयरफोर्स 2020 के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग आज अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कि आज आपने कितना स्कोर किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इससे पहले की प्रैक्टिस नहीं डाल की है तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से जाकर आप सभी वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी समस्या ना हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, 26 नंबर लिखा हुआ हमारा कि रेड इंडियन नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है, ब्राज़ील में, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या पनामा में। आपके सामने चार ऑप्शन हैं और आपको बताना है कि रेड इंडियन नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, रेड इंडियन प्रजाति कहाँ पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। इसके बाद देखिएगा 27 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है और आपको यहाँ पर चेक करना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। पंचायती राज की व्यवस्था संविधान के किस संशोधन के द्वारा की गई, 52वां, 73वां, 74वां या 79वां। ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन लिखे हुए हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, कि 73वां संशोधन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग हैं 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। देखिए, 28 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, 1655 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में, 1788 ईस्वी में या 1888 ईस्वी में। तो इसमें से कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका हुआ ऑप्शन नंबर बी वाला, लिखा हुआ है 1688 में। ठीक है, तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, 1688 ईस्वी में हुई थी। 29 नंबर लिखा हुआ है, वो बिस्मिल्ला खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, संतूर, शहनाई, तबला या बांसुरी। तो बिस्मिल्ला खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका है शहनाई से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बाइट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बाइट का संबंध वायुयान से है या जलयान से है या कंप्यूटर से है या चिकित्सा विज्ञान से है। तो किस विज्ञान से बाइट का संबंध है, तो यह है कंप्यूटर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा कि बाइट का संबंध किससे है, कंप्यूटर से है। देखिए, इसके बाद में 31 नंबर लिखा हुआ है आपके सामने, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई, 10 मई, 13 मई या 10 अक्टूबर। तो किस तिथि को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट हुआ, 8 मई। देखिए, 32 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, थल सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है, थल सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु या मैसूर। तो कहाँ पर है, ये है पुणे में। ठीक है, थल सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है, पुणे में है, आप लोग याद रखिएगा इसे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखिए, इसके बाद में 33 नंबर लिखा हुआ है, भूदान आंदोलन किसने चलाया था, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने या विनोबा भावे ने। किसने चलाया था भूदान आंदोलन, तो चलाया था विनोबा भावे ने। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला करेक्ट होगा, विनोबा भावे। देखिए, इसके बाद 34 नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा इसे, कि राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है, शक्ति स्थल, समता स्थल, वीरभूम या किसान घाट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, वीरभूम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जितने समाधि स्थल थे मैंने उसके लिए एक वीडियो बना दी है। आप लोग चैनल की जो है वीडियोज़ में जाइए, वहाँ से अगर आप चेक कर सकते हैं, उसमें जीके की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जितने भी नेता थे वगैरह, ठीक है, तो इनके सबके जो है समाधि स्थल का नाम वहाँ पर दिया गया है उस वीडियो में। देखिए, 35 नंबर लिखा हुआ है कि तीन ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य राज्य कौन सा है। ठीक है, तीन ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये होगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। देखिए, 35 नंबर के बाद आपके सामने 36 नंबर निकल के आ चुका है और बताना है आपको कि इसका भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 36 का। देखिए, 12, 32, 72, 152 तो आगे क्या आएगा। ठीक है, पहले क्या इतना 12, फिर 32, फिर 72, 152 तो आगे क्या बढ़ जाएगा। ठीक है, 152। ठीक है, तो आगे क्या बढ़ जाएगा, देखिए 12 से 32 पाए कितने जुड़े यहाँ पर, ठीक, घटा लीजिए, 2 से 2 गया 0, 2 से 3 से गया 2, तो 20 जुड़े गए यहाँ पर। ठीक, पहले 20 जुड़े, फिर यहाँ देखिए 2 से 2 गया 0 और 7 से 3 गया 4, फिर 40 जुड़े हैं। आगे देख लीजिएगा, 2 से 2 गया 0, 15 से 8, 7 गया 8, 80 जुड़े, अब कितना होगा। तो देखिए, पहले 20 जोड़ा, फिर 40 जोड़ा, फिर 80 जोड़ा, तो इसका मतलब अब कितना होगा, 160 दोना करते चले गए, तो 160 जोड़ेंगे, हो जाएगा 2 का 2, 6, 5, 11 का 1, हाँ से लगा 1 और 3, कितना हुआ, 312। ऑप्शन में देखिए डी वाले में देखा 312, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट ऑप्शन हो गया है। देखिए, 36 के बाद 37 नंबर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति स्थान ए से
बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए तक वापस आता है। ठीक है, मतलब एक बार गया है और एक बार आया है। उस व्यक्ति की पूरी यात्रा में औसत चाल क्या थे? अगर औसत चाल पूछी जाए कि गया वापस आया, तो उसके लिए हमारा सूत्र होता है कि टू क्या होता है, टू यू वी अपान यू प्लस वी। ठीक है, ये होता है प्रारंभिक चाल और बी होती है अंतिम चाल। ठीक है, मतलब जिससे जाता है वो होती है यू और आएगा वापस तो होती है वी। तो ये आपके सामने सूत्र लिखा हुआ है, ये इसमें रखिएगा, मान निकाल दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो औसत चाल निकालनी है, क्या होगा, टू और यू वी का मतलब यू है 20 किलोमीटर से जाता है और 5 से वापस जाता है, तो गुणा 5 हो जाएगा। और बटे में क्या करना है, 20 प्लस 5 कर लेना है। ठीक, दोनों को जोड़ लेना है। अब हल कर लीजिए आप, क्या हो जाएगा, 2 20 20 दोनों कितना होगा, 40 होगा। ये वाला आए चक्कर लिए, देखिए लिखा है 2 × 20 × 5 लिख लेंगे और बटे में लिख लेंगे 20 × 5 = 25। देखिए 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25 और 5 × 20 तो आपका निकल कितना आ गया, 4 × 2 आ गया है और 4 × 2 कितना होता है, 8 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जो है उसकी औसत चाल निकल के आ जाएगी। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसके बाद में 38 नंबर लिखा हुआ है, 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 और उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो देखिए यहाँ क्या कहा गया कि 2 संख्या धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल। देखिए पहले संख्या मानेंगे हम, पहले मान लेंगे एक्स, दूसरी मान लेंगे बाई। ठीक है, अब समझिएगा, 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल का मतलब है एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा बाई स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया वर्गों का योगफल कितना है, 100 है, तो है कितना, 100 = 100 कर देंगे। कहा गया और उनके वर्गों का अंतर 28 है, वर्गों का अंतर का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, ये कितना है, ये है 28। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे। अब इसे हल कर लेना है, तो हल करेंगे, देखिए बाई स्क्वायर तो कट जाएगा आपका क्योंकि माइनस प्लस का है, तो आपका कितना बचा, जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2x² = 128। 2 से काट लेंगे, देखिए कितना होगा, 2 × 6 = 12, तो आपका निकल के आ गया x² कितना आ गया, 64, और यहाँ पर आएगा x² कितना आएगा, 8। ठीक है, एक्स का मान कितना आ गया, यहाँ पर एक्स का मान निकल के आ गया है 8। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, एक्स का मान तो 8 आपका आ गया है, अब आपको बाई का मान भी चाहिए। ठीक है, एक्स का मान निकल आया, अब आपको बाई का मान चाहिए, तो बाई का मान चाहने के लिए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वो आप समझिएगा, आप इस वाले समीकरण में देखिए एक्स का मान रख दीजिए। ठीक है, तो बाई का मान आपका निकल के आ जाएगा, तो इसमें देखिए एक्स का मान रखिए, तो 8 जो 8 है लिखा है यहाँ पर, तो 8 यहाँ पर रख देंगे हम लोग। ठीक है, तो कितना होगा, 8 का इसका मतलब 64 हो गया, 64 प्लस का बाई स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 100 हो गया। यहाँ पर देखिए बाई स्क्वायर का मान कितना निकल गया, 36 निकल के आ गया है, समझिए बात को, 36 आएगा, तो इसका मतलब बाई का मान कितना आएगा, हमारा निकल गया 6। अब आप इतनी बात समझ गए होंगे, ठीक है, कि बाई का मान निकल के आ गया है 6। अब आपको यहाँ पर चेक करना है, लिखा है तो इन संख्याओं का योगफल क्या है, संख्याओं का योगफल का मतलब एक्स और प्लस वाई पूछा गया है, एक्स प्लस वाई का मतलब 8 + 6 कितना होगा, 14। तो ऑप्शन में देखिए बी वाला इसका करेक्ट होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन के, आपके सामने लिखा हुआ है सही गणितीय चिन्ह का प्रयोग करके लुप्त संख्या बताएं, 45 9 10 = 50, 40 5 5 = 40। तो आपको बताना है कि 65 13 10 = क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कौन सा फार्मूला लगाया है वो समझिएगा आप, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये 45 लिखा था, तो इन्होंने क्या किया, 45 में जो है 9 से भाग कर दिया है। ठीक है, 45 भाग किससे किया, 9 से किया है, और उसके बाद गुणा कर दी 10 से, गुणा किससे किए, 10 से। देखिए 9 से काटेंगे, 9 × 45 और 5 दशमलव कितना, 50 निकल गया आपका, 50 देखिए आ गया 50। तो समझिए पहले क्या क्या भाग किया है, तो आ गया 45 मतलब 9 × 45 5 आ गया, फिर गुणा कर दिया तो हो गया 50। इसी प्रकार देखिए आगे क्या लिखा है, 40 / 5 कर लेंगे, गुणा 5 कर लेंगे, तो अब समझ गए होंगे 5 5 कट जाएगा कितना आएगा, 40 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका क्या करना है, 65 लिखना है, बटे में करना है 13 और गुणा करना है 10 से। अब आप समझ गए होंगे 13 × 5 कितना होता है, 65 और 10 × 5 कितना होता है, 50। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको चेक करना है, ऑप्शन नंबर देखिए बी वाले में देखा है 50, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। 39 का देखिएगा आप लोग, 40 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, 1904 या 1900 या लिखा है 1980 या 1996 1896। तो आपके सामने चार लिखे हुए ऑप्शन लिखे हुए हैं, देखिए जिसमें आप अंतिम दो अंक हैं उनमें 4 से भाग करेंगे कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कट जाएगा, तो ये तीनों लीप वर्ष है। ठीक है, लेकिन हमारे डी वाला बी ऑप्शन ये है, हमारी शताब्दी वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष नहीं है, कौन सी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 40 के बाद देखिएगा आपको 41 नंबर लिखा हुआ है और इसमें आपको चेक करना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर में देखिएगा क्या लिखा हुआ, एक लड़का अपने घर से निकलकर 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और उसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, अंत में वह 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में की ओर चलता है, तो वह अपने घर से कितने दूरी पर है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सवाल किस प्रकार से लगाएंगे हम लोग, लड़का जो है अपने घर से निकलकर 6 किलोमीटर पूर्व को जाता है। ठीक है, 6 किलोमीटर पूर्व का जाता है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से निकलेगा और यहाँ तक गया है पूर्व की ओर, कितना गया, 6 किलोमीटर चला गया। ठीक, पहले इतना कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है, उसके बाद कितना था, 5 किलोमीटर दक्षिण में, दक्षिण का मतलब नीचे की ओर जाएगा, कितना गया, 5 किलोमीटर, मतलब इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से 5 किलोमीटर चला गया, कहाँ चला गया, दक्षिण की ओर चला गया।
इसके बाद वह फिर पूरब की ओर मुड़ता है, इसके बाद फिर से पूरब की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो फिर से पूरब की मुड़ा कितना चला, फिर से 6 किलोमीटर चल गया है। अंत में 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। अंत में 10 किलोमीटर उत्तर की मतलब हुआ कि यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है, और कितना गया, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया है। तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, ठीक, तो घर उसका यहाँ पर था। अब आप समझिए बात को कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये बात बताइए आप लोग कि दूरी 6 है तो ये वाली दूरी 6 किलोमीटर हो जाएगी, और देखिए ये वाली 5 है तो ये वाली 5 हो जाएगी, 5 ये वाली हो जाएगी, 5 ये वाली हो जाएगी, आप ये भी किलो जाएगा। और आपसे पूछा कौन सा गया, ये वाला आपसे दूरी पूछेगा, ये वाली दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर किस प्रकार से सवाल को हल करेंगे। देखिए 6 वाली दूरी 6 किलोमीटर वाली है और 6 किलोमीटर वाली है, तो टोटल कितनी हो गए, ये तो आपकी 12 हो गई। आपका देखिए त्रिभुज छोटा बनेगा, इस प्रकार देखिए बता रहा हूँ मैं आपको कि ये वाली आपकी हो गई 12, ठीक है, नीचे वाली 12 हो गई, और ये ऊपर वाली कितनी, ये वाली 5 है। आपसे ये वाली पूछी गई, ठीक है, ये वाली दूरी पूछी गई, समझ गए होंगे आप लोग इस बात को। अब इसके लिए आपको एक समकोण त्रिभुज का मतलब कर्ण निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं कर्ण, बहुत समझिएगा आप लोग। लिखते हैं अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 5 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक, इसे हल करेंगे, ठीक है। 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसे हल करेंगे, तो हल करेंगे, देखिए 12 कितना होता है 44, 5 का कितना होता है 25, टोटल कितना हुआ 169, और इसका हो जाएगा 13। समझ गए आप लोग इतनी बात को। तो ऑप्शन में देखिए बी वाला में देखा 13 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट होगा। देखिए अगला प्रश्न 42 नंबर लिखा हुआ है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, आपको ये बताना है, ठीक है, कि 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को। तो आपको पहला काम करना है कि 31 से आपको 2 माइनस कर देना है, तो आपका ये तो निकल आया 29 दिन, ठीक है, क्या निकल आया 29 दिन बाद पूछा गया है। अब 29 दिन बाद पूछा गया तो आपको 29 में 7 से भाग करना है कि 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 कितना बचा, आपका 1 बच रहा है, ठीक है, आपका 1 बच रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सिंपल सा काम करना है कि आपको लिखना है रविवार, और रविवार में आपको 1 जोड़ देना है, ठीक है। तो रविवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सोमवार। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी वाला देखा है सोमवार, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट हो गया है। देखिए 44 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, किसी घड़ी में 8:20 हुए हैं, बताएं कि उस समय घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको 8:20 मतलब घड़ी बनानी है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, 8:20 निकालना है आपको, ठीक है। देखिए 8:20 कैसे होंगे, तो आप समझिए 1, 2, 3 यहाँ पर जाएगा, फिर देखिए 4, 5, 6 यहाँ पर आएगा, और 7, 8, 9 इस प्रकार जाएगा। देखिए कह रहा है कि 8:20, 8:20 मतलब ये हुआ इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से इतना होगा, ठीक है, इस प्रकार से इतना होगा। तो आपको बताना इसके बीच में कितना कोण बनेगा, तो पहले तो आपको ये जोड़ लेना है कि यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, ये मतलब कितना हुआ, प्रत्येक 5 मिनट में हमारा जो है 30 अंश का कोण बनता है, ठीक है, प्रत्येक 5 मिनट में 30 अंश का कोण होता है। तो यहाँ पर देखिए ये इतने यहाँ पर 4 घंटे घूमे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया हमारा कि ये कितने अंश कोण आएगा, ये तो 120 अंश का कोण बन गया है, ठीक है, 120 का तो ये पक्का हो गया है। लेकिन अब आप ये बताइए 20 मिनट की जब ये सुई यहाँ पर आ गई, तो आपको ये पता है ये सुई 4 पर होगी, तो 8 वाली सुई थोड़ा आगे बढ़ेगी, ठीक, थोड़ा ऊपर की जाएगी, 8 वाली सुई थोड़ा ऊपर की हो जाएगी, तो कितना ऊपर जाएगी, अगर देखिए 20 मिनट हुए हैं, समझिएगा जितने मिनट होता है उसका आधा ऊपर चलाता है, ठीक है, अगर 20 मिनट हुए हैं तो 20 का मतलब हुआ कि 2 से भाग कर दीजिए, तो इसका मतलब है 10 अंश ऊपर चली जाएगी, 10 में जोड़ देंगे हम लोग, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 130 अंश। समझ गए होंगे आप लोग बात को। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया है। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर लिखा हुआ है, पढ़िए सवाल को क्या कह रहा है, एक लड़की के फोटो की तरफ संकेत करते हुए नरेंद्र ने कहा कि उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं, उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं। तो पूछा गया पुत्र नरेंद्र का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, ठीक है, आपसे पहले पूछा गया, समझिएगा आपको कि नरेंद्र ने कहा, ठीक है, तो देखिए इधर कि नरेंद्र है, मान लीजिए ये नरेंद्र है, ठीक है, यह कौन है, नरेंद्र, और नरेंद्र ने कहा कि एक लड़की की फोटो, ठीक है, एक लड़की है, लड़की की फोटो इशारा करते हुए कहा, क्या कहा है कि उसके पिता तो लड़की के पिता ही हो गए, लड़की के पिता ही हो गए, कि उसके पिता का एकमात्र पुत्र, उसके पिता और का एकमात्र पुत्र, अब आपको देखिए पिता इसके ये है और इसका एकमात्र पुत्र, इसका पुत्र कौन होगा, ये इसका पुत्र हो गया, ठीक है, समझिएगा आपको कि उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता है, ठीक है, उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं। नरेंद्र कौन है, नरेंद्र के यहाँ पर समझिएगा पिता हैं, ठीक है, उसके पिता का एकमात्र पुत्र कौन है, नरेंद्र का पिता है। तो पूछा गया है कि नरेंद्र का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, तो आपको ये बताना है कि नरेंद्र का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। तो देखिए क्या कह रहा है कि देखिए बात फिर समझिएगा, अच्छी तरीके बात समझिएगा कि नरेंद्र जो है वो लड़की के पिता का एकमात्र पुत्र जो है वो नरेंद्र का पिता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़की और ये पुत्र दोनों भाई बहन होंगे,
अरे भाई बहन होंगे तो देखिए ये इसका क्या है, इसके भाई का ये लड़का है ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन होगा, इसका ये इसका भतीजा हो जाएगा ठीक है, भतीजा हो जाएगा, समझ गए होंगे आप लोग बात को। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा आपका होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट ऑप्शन होगा ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सी वाला होगा। अब देखिए 44 के बाद देखिए 45 में लिखा हुआ है, यदि केला 10 रुपये में 12 की दर से खरीदा जाए और 12 में 10 की दर से बेचा जाए ठीक है, 10 में 12 की दर से खरीदा जाए और 12 में 10 की दर से बेचा जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा। बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा, देखिएगा आप लोग इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 10 में कितने खरीदे 12 खरीदे और 12 में कितने बेच रहा है 10 बेच रहा है, बिल्कुल सिंपल तरीका। आपको इसकी गुणा इसमें करनी, इसकी गुणा इसमें करनी, कैंची गुणा कर लेनी है, करिए कैंची गुणा कि कितना हुआ 10 में हुआ 100 और 12 में कितना 144, आपका ये आ गया 144 आ गया 100, मतलब 100 में खरीदा 144 में बेचा है इतना निकल गया, तो उसे लाभ कितना हो रहा है घटा लीजिए इसमें कितना बचेगा 44% का उसे लाभ हो रहा है ठीक है। तो इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं चिकुड़ा करने के बाद आपका तुम आंसर निकल गया है, 100 से सिर्फ घटाना पड़ेगा आपको ठीक है, तो उसका कितना आएगा 44%। 45 के बाद देखिए 46 में लिखा हुआ है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 15 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं चाहे सम संख्याएं हैं, हम क्या मानेंगे आप वो समझिएगा, हम मानेंगे पहले x है, दूसरी क्या मानेंगे x प्लस 2, तीसरी क्या मानेंगे x प्लस 4, चौथी मानेंगे x प्लस 6 और मानेंगे x प्लस 8, इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग ठीक है, लाइन से मान ली हमने। और लिखा है औसत का मतलब होता है बटे में लिखेंगे, तो बटे वाला हम जो नहीं लिखेंगे हम तो सामने लिख लेंगे ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि संख्या कितनी है, संख्या हमारी 5 है, लिखेंगे 5 गुणा औसत कितना 15, तो आप समझ गए होंगे इतनी बात करी हमने कि सबको जोड़ लिया हमारा 5 गुणा 15 कर लिया है। अब x जोड़िए, x 1 2 3 4 5 तो हो गया 5x और प्लस का देखिए 2 4 6 6 12 8 20, तो 20 का कितना हुआ 15 5 75, इतना आ गया निकल गए, 5x का मान आ गया है देखिए 20 घटाएंगे कितना बचेगा 55, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 11 55, तो 11 निकल जाएगा ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 11। पूछा गया सबसे छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या है x और x का मान है 11, तो इसका मतलब वो ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसके बाद में 47 नंबर क्वेश्चन, 28 लीटर मिश्रण में शराब एवं पानी का अनुपात 5:2 है, यदि इस मिश्रण में 2 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा ठीक है, पहले आपको ये बताना है। देखिए अनुपात कितना है 5:2 है, अगर हम इनमें x में अनुपात माने, x के मतलब मान कर जाएगा तो हो जाएगा कि 5x और 2x हो जाएगा ठीक है, 5x और 2x, और लिखा है 28 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात है, टोटल कितना है, टोटल है 28 लीटर, तो इसका मतलब अगर दोनों को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 28, इससे देखिए निकालेंगे 7x का मान आ गया 28, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 4 28, मतलब x की वैल्यू आपके निकल के कितनी आ गई 4 ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब आपको शराब और पानी का अनुपात रखा है तो उसकी मात्रा निकालेंगे, तो मात्रा कितनी आ गई, शराब की मात्रा आ जाएगी 4 5 20 लीटर और कितना होगा, और नमक जो है पानी, पानी की मात्रा कितनी आ गई, पानी की मात्रा आ जाएगी 4 2 8 ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग कि शराब कितनी है 20 लीटर है और पानी कितना है 8 लीटर है। लिखा है यदि इस क्वेश्चन में 2 लीटर पानी और मिला दिया जाए, मिश्रण में 2 मिलीलीटर पानी मिलाएंगे इसका मतलब इसमें प्लस का 2 कर देंगे तो अब कितना हो गया, ये हो गया 20, ये हो गया 10। तो पूछा गया है मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात क्या होगा ठीक है, मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात कितना होगा, अनुपात निकाल लीजिए, तो देखिए 0 0 कट जाएगा, सिर्फ निकल गया आपका आ गया 2:1 ठीक है, 2:1 निकल गया है। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपको सी वाले में दे रखा है कि 2:1, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर के बाद देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो आपको बताना है इस प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा ठीक है। देखिए किस प्रकार सवाल लगाएंगे हम लोग, इस साइड वाले को, इस साइड वाले को आप क्या करना है, आपको क्या करना है, इस साइड दोनों साइड वालों को, इनको और इसको, इसके गुणा कर इसके ऊपर जोड़ना है ठीक है, जोड़ेगा 5 + 4 कितना हुआ है हमारा, ये हो गया 9, और अगर 9 में हम अगर इससे 12 से गुणा करें कितना आएगा, 12 में 108 आ गया, समझ गए होंगे आप लोग इस बात को। इसके बाद देखिए 4 और 8 को जोड़े कितना हो गया 12, और 12 में कितना हुआ 108 आपका ये भी आ गया है, तो आपको वही काम करना है कि 6 और 8 को जोड़ना है कितना हुआ, 6 8 हुआ 14, और 14 में 12 से गुणा कर देनी आपका आंसर निकल के आ जाएगा ठीक है। तो देखिए 12 4 48 का 8 हाँ से लगा 4, 12 1 12 4 16 168 निकल के आया है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी वाला इसका करेक्ट हुआ ठीक है, 168 जो है बी वाला में रखा है, तो बी वाला आंसर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसके बाद 49 नंबर लिखा हुआ है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या निम्नलिखित कौन सी है, तो देखिए कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 ठीक है, याद रखिएगा इसे कि 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 50 नंबर देखिएगा इसके बाद में, किसी संख्या में n से 5, n में 5 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है, तो 5 से भाग देने पर, तो इसमें लिखा है 2n में, तो 2n में क्या होगा कि 5 से भाग देने पर शेषफल जो है देने पर कितना शेष बचेगा ठीक है, तो आपसे देखिए पूछा गया है। इसके लिए देखिए पहले मैं आपको बताना हूँ इसका बेसिक किस प्रकार से लगाएंगे, हम अगर n की जगह पर मान लें 14 ठीक है, n कितना मान लें, अगर मान लीजिए 14 मान लें, अब समझिए बात को, लिखा है n में मतलब 14 में 5 से भाग दीजिए, जगह देखिए 14 में 5 से भाग दीजिए कितना रहा, 5 2 10 कितना बच रहा है, 4 बच रहा है आपका, इतनी बात समझ रहे होंगे आप ठीक है, कितना बच रहा है 4 बच रहा है।
फिर कह रहा है ये लिखा है चाक प्राप्त होता है। अब क्या टू एन में, टू एन कितना हो जाएगा, निकाले से टू एन कितना होगा 28 जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करना है, आपको 5 से भाग देना है, 28 में देना है, दीजिएगा कितना होगा। ठीक है, 25 कितना बचा, 3 बच गया, 3 शेष आ गया है। तो बस आंसर आपका निकल आया कि आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी वाला सकते हो आप, 3 कितना बचेगा शेष, 3 बचेगा। ठीक है, इसके लिए दूसरा हमारा सूत्र होता है, सूत्र होता है कि नया शेषफल बराबर 2 गुणे पुराना शेषफल और अपान में जिससे आपको भाग देना है उसे लिख लीजिए। ठीक है, 2 गुणा पुराना शेषफल और अपान जिससे भाग देना उसको लिख लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या करें आपसे, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई हैं, इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ किसी न किसी प्रकार एक जैसी हैं तथा एक अन्य आकृति अन्य तीनों से भिन्न है, इस भिन्न आकृति को नीचे दिए गए अक्षरांक ओ से घेर दें। देखिए मैंने सवाल पढ़ दिया, आपको इसका आंसर बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिए तभी आप बता पाएंगे इसका कौन सा विषम है। देखिए इसका विषम कौन सा है, इस वाले विषम है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें जो है आकृत बनी हुई दोनों अलग अलग हैं, इसमें भी आकृत अलग अलग है, इसमें आकृत अलग अलग है, लेकिन इसमें बिल्कुल सेम आकृत होने के कारण इसका ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 51 के बाद देखिए 52 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। इसे देखिएगा, देखिए आपका पहले गोला यहाँ पर था, ये गोला आपका यहाँ से यहाँ चला गया, फिर ऊपर आ गया, तो इसका मतलब है ये गोला कहाँ पर जाएगा, इस साइड में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए वाला होगा या तो सी वाला होगा, आपका ए वाला या सी वाला इसमें से एक कोई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन पहले दूसरे की बात करें तो पहले दूसरे में क्या हो रहा है, ये दोनों चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आकृतियाँ कैसे चेंज हो रही हैं। ठीक है, जिसी प्रकार देखिए ये वाले चेंज होएंगे, चेंज होने के बाद आपको ये वाले मिल जाएंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से हैं, तो चेंज होकर ये वाले मिलेंगे, तो इसका मतलब वो ऑप्शन नंबर देखिए इसका ए वाला करेक्ट हुआ और ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट हो गया है। इसके बाद देखिएगा इसमें आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो पहले वाले की तुलना इससे करेंगे, इसी प्रकार इसकी तुलना इससे करेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा पहले वाले की तुलना उससे कर दी तो दूसरे वाले की चौथे वाले से होगी, तो इसका मतलब आपका सी वाला और डी वाला तो आपको हो नहीं सकता है। ठीक है, इसमें तो आकृतियाँ चेंज हैं। अब ए बी की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा आपका चिन्ह आएगा, तो आप समझिएगा यहाँ पर देखिए ये वाला माइनस का था यहाँ पर, तो ये वाला माइनस का नीचे आ गया। ठीक है, तो देखिए इस साइड से ये खाना आगे बढ़ गया है, तो आपको वही काम करना है कि आपको यहाँ पर चेक करना है, देखिए ये वाला प्लस का यहाँ पर था। ठीक है, यहाँ पर था तो ये वाला नीचे आएगा, तो ये वाला यहाँ इस साइड में आएगा। ठीक है, यहाँ प्लस का आएगा, किस में देखा आपको, ये वाला बी में देखा है। देखिए बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगर देखिए इसमें इसमें आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, 54 नंबर लिखा हुआ है, देखिएगा इसे इसमें उन्होंने क्या किया है, देखिए गोले तो वही रहे, खाली आपका ब्लैक वाला पार्टी वाला यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, इतना अंतर हो गया, तो आपको यहाँ से लाना है, तो ये वाला यहाँ से यहाँ कहाँ पर आएगा, तो ये वाला हमारा आएगा यहाँ से लेकर यहाँ था। ठीक है, इस साइड में चलेगा, क्योंकि ये देखिए किधर जा रहा है, ठीक है, इस तरफ जा रहा है, तो आपका इस तरफ बढ़ेगा, इस तरफ बढ़ेगा, तो इसमें आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में देखिए बी वाले में देखा आपको है, तो बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। इसका देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगर देखिए अगर यहाँ पर हम मिरर रख दें, शीशा रख दें, ठीक है, इस प्रकार से, तो आप समझ रहे होंगे ये बिल्कुल इसके विपरीत जा रहा है, तो आपको वही काम यहाँ करना है, यहाँ पर मिरर रखना है, आपको इसका विपरीत करना है, विपरीत करने के बाद देखिए कौन सा होगा ऑप्शन में, देखिए आपको बी वाला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बी वाला इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे जो है ये 30 प्रश्न जो थे लागा के मॉक टेस्ट के सॉल्व हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको एयरफोर्स के मॉक टेस्ट और भी हल करने हैं तो आपको हमारे चैनल पर और भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको देखिए मेरे चैनल पर 50 लागा के प्रैक्टिस पड़े हैं, वो भी आप उससे जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और अंग्रेजी के प्रैक्टिस भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, और इससे पहले की वीडियोज़ को आप लोग जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।